अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, फिर कल उसके आंकड़े जारी हुए। अगर आप पढ़े लिखे लोग ध्यान रखते हो, वो जातिगत आंकड़े कहते हैं कि 92% आबादी, 90% से ज्यादा आबादी बिहार में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। अगर आप राजस्थान का वो कराओगे सर्वे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि 85 से 90% आबादी आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की राजस्थान में होगी। भारत में जब लोकतंत्र आया, वोट का अधिकार मिला, उस लोकतंत्र का असली उद्देश्य क्या था, इस पे आप गौर करो। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन। बहुमत का मतलब जिनका वोट होगा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनका राज होगा। वोट हमारी ज्यादा थी लेकिन हमारा राज नहीं आया। सदियों सदियों हम लोग आजादी से पहले इंतजार करते रहे कि कोई हमारे जुल्म जाति पे दिल पसीजेगा किसी का, कोई हमारे आंसुओं पे, हमारी उधरती चमड़ी पे कोई तकलीफ करके ये अन्याय अत्याचार बंद करेगा। कभी बंद नहीं हुआ। आजादी के बाद, संविधान के आने के बाद हमें अवसर मिलेगी, अगर हम पे न्याय होगा तो उसको सजा मिलेगी। वो अलग बात है कि न्याय ताकतवर लोगों की कठपुतली बन गया है। न्यायपालिका में चाहे जिले की हो या प्रदेश की हो, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें भी आज हमारे लोगों की संख्या नहीं है। वहां भी हमारे घुसने के बैरियर लगाए गए हैं। मैंने कल ही और मैं लगातार कह रहा था कि आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य है संपूर्ण सामाजिक न्याय, यानी कि अंतिम व्यक्ति को भी जो हाशिए पे है उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान सम्मान की जिनका जीवन, और उसको भी अवसर मिले। अगर उस पर जमीन नहीं, उसको जमीन मिले। उस पर रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिले। उसको उस पर उद्योग नहीं, उसको उद्योग मिले। और अगर उसके पास गरीबी है तो उसकी जेब भरी जाए, उसको ताकतवर बनाया जाए, वो स्वाभिमान सम्मान से जिए, अन्याय अत्याचार बंद हो, जुडिशरी हो या सरकार का कोई भी तंत्र हो, संविधान के द्वारा जो व्यवस्था बनी है उसका कोई भी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन गजब देखिए कि लगातार जातिगत आंकड़ों को छिपाया गया। मैंने आपसे कहा कि 90% आबादी राजस्थान में आपकी है, तो आप मुझे बताओ कि राजस्थान में राज किसका होना चाहिए। राजस्थान समूह एक कानून नहीं बना पाएगा, एक व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को ताकतवर बनाने का फैसला ले लिया, अगर आपने तय कर लिया कि अब हम गुलामियों की भेड़ियों में नहीं रहेंगे, अगर आपने तय कर लिया कि हम हर जुल्म को खत्म करेंगे जड़ से, एक तरीका ये है कि अन्याय होने के बाद आप सड़कों पे आओ न्याय मांगने, FIR लिखाने, गिरफ्तारी कराने। और एक तरीका यह है कि अपनी ताकत बनाओ,